हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए माता, इस समय मुझे जाने दे, विलंब ना कर, मेरा मार्ग छोड़ दे। ऐसी बाधा सामने आ गई। पाहिमाम, पवन पुत्र पाहिमाम, मैं आपके पथ की बाधा नहीं। फिर कौन है आप? हे महावीर मारुति, मैं मैनाक पर्वत हूं। पर्वत? हां पवन पुत्र, पर्वत। तुम्हारे पिता पवन देवता ने एक समय मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं उनका ऋणी हूं। उस उपकार के बदले मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मुझे समुद्र देवता ने भी यही आज्ञा दी है, क्योंकि उन पर श्री राम के पूर्वज महाराज सागर का उपकार है और तुम राम के कार्य से जा रहे हो। इसलिए समुद्र देव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम प्रदान करूं। सोहे अंजने, तुम मेरे शिखर पर कुछ विश्राम कर लो, इसलिए मैं समुद्र के गर्व से प्रकट हुआ हूं। हे आदरणीय मैनाक, आपका तथा समुद्र देव का बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु श्री राम के कार्य के लिए जो जा रहा हो, उसके लिए विश्राम पाप है, इसलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं विश्राम नीत, नहीं भोजन, करना पार चार शत योजन। तुमसे है कपि धर्म प्रतिष्ठा, उपमाहीन तीन लोक में राम भक्त कोई नहीं हनुमंत समान। हनुमत भरे उड़ान, राम भक्त के पंख लगा के हनुमत भरे उड़ान। हनुमत भरे उड़ान, महाबली कपि महातेज में अद्भुत क्षमतावान।
हनुमत भरे उड़ान। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है, मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं हूँ, अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। है, मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। जो भूखा हो उसका अधिकार सर्वप्रथम माना गया है, यही धर्म है। इसलिए यदि तुमने मेरी भूख ना मिटाई तो वो धर्म विरुद्ध होगा। हाँ, यदि तू चाहे तो अपनी जगह किसी और जीव को मेरा आहार बना दे, जैसा महाराज शिवी ने किया था। इस प्रकार भूखे को भोजन देने का धर्म भी निप जाएगा और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। परंतु माता, अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे के प्राण लेना धर्म नहीं पाप है। इससे तो यही अच्छा है कि मैं आपका आहार बन जाऊं। कितनी धर्मयुक्त बात की है तूने। अब आ जा मेरे मुंह में। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना, इसलिए पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा। उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा, फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहां पहुंच जाऊंगा। इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसलिए माता इस समय मुझे जाने दे, विलंब ना कर, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता, इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया, तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूं। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम, यह चार गुण हों, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है। तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद।
हुआ रुक जा। ये कैसा मायाजाल है, किसने मेरे पराक्रम को पंगु बना दिया है? मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली ये शक्ति कौन है? मैं सीखा हूँ सीखा सीखा निशाचरी, उड़ते पंछियों की परछाइयों से उन्हें पकड़ कर खाती थी। आज तुझे चबाकर बड़ा मजा आएगा। आज तुझे पेट भर के खाऊंगी, आज मौज उड़ाऊंगी। समय लंका नगरी में